आपकी यादों की तरह अटक गई, निकल ही नहीं रही। कैसे राह पे नसीबा खड़ा, चुपचाप सा तक मुंह मेरा, आधे वादे सा जीना हुआ, रुस गई सारी खुशियां। साड़ी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। साड़ी सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत, साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। इसे निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं करूंगी। कोई बात नहीं रक्षम, पर आज तुम अपने अंत के बहुत करीब आ चुके हो। बोलो सावी। आप जिस राह पर चल रहे हैं ना, आपको वहां से यूटर्न लेना पड़ेगा भैया। यूटर्न लेने का कोई चांस नहीं है सावी, मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि वापस आना मुमकिन नहीं है। रास्ता भटक गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम चाहे कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं, ऐसा नहीं है कि हम लौट कर वापस सही राह पर नहीं आ सकते। सही कहा तुमने सावी, तुम भी तो प्यार के रास्ते चल पड़ी थी ना, नित्यम के प्यार के एहसास को अपने साथ लेकर। और तुम तो वापस आई तो आई, ऐसे आई कि नित्यम से इतना प्यार करने के बावजूद मानो से आज सगाई भी कर ली। आगे ड्रिंक वापस। मुझे अब हैरत लगती है, इसका मतलब नो ड्रिंक नो लूडो? नो प्रॉब्लम। इसी बात पे मीठा खाए क्या? आपका फेवरेट पाइनएप्पल केक। तो मैंने तुझसे कहा ना, मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात। क्या कर रहे यार? आदर है भैया, केक तो सच में बहुत ही अम्मी है। क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? क्या ये इतनी रात को इतनी शुगर रश, डबल कैलोरीज, ऊपर से वर्कआउट कर डबल करना पड़ेगा, वो अलग समझता नहीं है, भौंकला गया। वैसे गट्टू भैया, ये ना बहुत ही गलत बात, मतलब आपका प्यार प्यार और मेरा प्यार खैरात, ऐसे नहीं होता है क्या? देख नित्यम, आज जो ऑफिस में तूने जो कहा और मैंने जो सुना उसकी अगर ये भरपाई करने आया ना, चला जाए यहां से, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है तुझे। रख दे लेते सारे, देख ले। हाँ, मेरा कौन सा सामान, मैं तो वहां से अपना सारा सामान अपने साथ ले आई। सावी, ये तेरे जेवर, तेरे कपड़े, साड़ियां जो तू दालमिया हाउस छोड़कर आई थी, ये सब तुम्हारे हैं? नहीं माँ, मैं ये नहीं ले सकती। तेरी शादी की ज्वेलरी है ये साड़ियां भी तेरी शादी की है, ये तेरा स्त्रीधन है सावी। नहीं माँ, मैं ये सब कुछ नहीं रख सकती। मैं बहस करने नहीं आई हूँ सावी। नहीं माँ, देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन तब मैं दालमिया खानदान की बहू थी, लेकिन अब नहीं हूँ तो मेरा इस पर कोई हक नहीं है, मैं नहीं ले सकती। सावी देख, पुरानी समधन जी दालमिया जी इतने प्यार से तुझे दे रही है, ले लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना? नहीं मामी, एक सावी है रक्षम जो ऐसे सिचुएशन में कभी जज नहीं करती तुम्हें। सावी को दिखाना पड़ेगा। ये मेरे लिए लाई हो? हाँ हाँ, ये आपके लिए है, लीजिए। इनका रंग और इनकी खुशबू किसी को भी गुमराह कर सकती है,
वैसे तुम दोनों का रिश्ता तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन मैंने तुम्हें प्रिया फॉर्म बुलाया। कम से कम डिवोर्स तक तो रुक जाती। ये प्रिया फार्म एकदम बेजान सी लोकेशन है, पर इसमें हमने जान खो दी। ऑल थैंक्स टू आवर क्लाइंट जिन्होंने हमें बारीक से बारीक डिटेल्स दी थी। बस ब्रीफ देते टाइम इतना कहा था कि किसी खास इंसान के लिए करवा रहे हैं। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने मुझे उस दिन प्रिया फार्म्स क्यों बुलाया था। मिस्टर दानिया, आज तुम्हारी हल्दी है, तुमने देखा मानो ने कितने प्यार से ये सब सजाया। पर माँ, यही तो बात है, मैंने उससे कहा था कि मुझे सारे फंक्शन सादगी में करने हैं, तो इतना सारा तामझाम करने की क्या जरूरत थी। हल्दी है बेटा, आप लोग कोई मेरी बात नहीं समझते पापा, आप भी नहीं है। अरे अरे, हल्दी शुरू कर दी बड़ी बहन के बिना। कहाँ सुने, वैसे भी एक मिनट में शुरू होती खत्म हो जाएगी हल्दी। सावी कह रही है कि सिर्फ एक टीका लगाएगी शगुन का। ऐसे कैसे, और आप सब लोग इसकी बात मान भी गए। आज सावी की बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन सोनम, सावी किसी की बात सुनती कहाँ है, वो तो वही करती है जो उसे करना होता है। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मामी जी, आज सावी को अपनी बड़ी बहन की बात माननी होगी और सारे फंक्शंस होंगे। पर दीदी, मुझे पहले एक फोन कॉल करना। कोई फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं। कल तक तो तू छोटा सा फोन यूज कर रही थी, आज क्या हो गया तुझे। देखो मोनू, तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन मेरे लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अभी तो पलटना सब, मुझे लगता है उसमें कुछ बहुत जरूरी है। अच्छा सुन तू, तेरा तेरे फोन में ना गैलरी फोल्डर में जाना है। हाँ? उसमें ना रिसेंटली डिलीटेड एक फोल्डर होगा, तो उसमें से भी अगर डिलीट नहीं किया है ना, तो डिलीटेड फाइल होगी उसके अंदर, देख लेना, मिल जाएगी तुझे। मिल जाएगी? हाँ। सावी देखना यार, ये अगली टैक्सी आधे घंटे में आ रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है यार, सब गड़बड़ हो रहा है। मोनू, तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, तुम ये वाली टैक्सी में बैठ के जाके मंदिर में तैयारियां शुरू करो। मेरा वैसे भी थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी है, तो मैं दूसरी टैक्सी में आ जाऊंगी। सावी, कुछ भी हो जाए, मुझे आज तुझसे शादी करनी ही है। पता है। जब तूने सावी से कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, उसने नहीं कहा कि हाँ मुन्नु मुझे भी तुझसे शादी करनी है, लेकिन जो हार जाए वो मानव जैन नहीं,